आज फिर से आप सबके लिए हम नया वीडियो लेके आए हैं, नया डिजाइन का साथ। ये देखिए, ये है क्रोकोडाइल क्रॉस स्टिच, क्रोकोडाइल इसको बोलता है, क्रोकोडाइल डिजाइन। देखिए ये कितना सुंदर है। तो आज हम इसे आपको बना के दिखाएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ताकि बहुत अच्छा अच्छी तरह से आप समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर के एक्सरसाइज करते रहेंगे। इसके लिए चाहिए 3 कलर का सूता। आज हम ये कलर का बनेगा, ब्लू, पिंक और वाइट, ये कॉम्बिनेशन में बनाएगा। तो सबसे पहले ऊपर के को लेने के लिए ब्लू ब्लू को सबसे ऊपर में रहेगा टॉप में। तो सबसे पहले बनाना है मैजिक रिंग। इसके बाद लेना है ये 16 चेन, आपको 16 चेन लेना है। सॉरी, ये हो गया 1 2 3 4 15 16, और 2 चेन स्किप करना है। पहले 1 2, इसके बाद 3 में डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट बना देना है। देखिए इसके बाद डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर चेन 2 लेना है, फिर सिंगल 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशेट यहाँ में बना देना है। यहाँ में सिंगल डबल क्रोशेट बनाना पड़ेगा, फिर 2 चेन, फिर 1 2 स्किप करेगा, फिर 3 में 1 2, यहाँ में डबल 2 डबल क्रोशेट बनाना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 चेन, फिर 1 2 3, 1 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट एक बार, फिर 2 डबल क्रोशेट एक बार, ऐसा करके आपको बना के ले जाना है। देखिए 1 2 चेन 2, इसके बाद 1 1 2 3, फिर यहाँ में 2 डबल क्रोशेट, सॉरी डबल क्रोशेट लेना था, मिस्टेक हो गया। ये है 1 डबल क्रोशेट, तो ये है 2 डबल क्रोशेट, इसके बाद ये देखो 1 2 3, ये सब में इसे बनाना है, इसे इसको घुसाना है। अभी चेन 3 सबसे पहले लेना है, 1 2 3, इसके बाद ये हमें 5 डबल क्रोशेट बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 1, सॉरी, यहाँ में 5 डबल क्रोशेट ले लिया है। अभी इस साइड में लेना है 6 डबल क्रोशेट, ये देखो ये हमें इस साइड में लेना है, से सपोर्ट करके यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 डबल क्रोशेट ले लिया। फिर अभी इसको ये ऐसा सीधा है ना, इसको ऐसे उल्टा करके से यहाँ से स्लिप स्टिच मार देना है, ताकि ये ना हिले, सेप में रहे। फिर सीधा कर लेगा, कर लेने के बाद फिर यहाँ में 6 डबल क्रोशेट लेना पड़ेगा। देखिए हमें 1 2
सिक्स, वही सेम, इस साइड में भी सिक्स ही लेना पड़ेगा। सिक्स डबल क्रोशेट, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। फिर इसको इस तरह पीछे मुड़ा देगा और यहाँ से स्लिप स्टिच, यहाँ से मार देगा स्लिप स्टिच। फिर यहाँ से ऐसा लेके से तो थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। इसके बाद फिर इसमें फाइव डबल क्रोशेट मारना पड़ेगा। एंडिंग एंडिंग में आपको पांच फाइव डबल क्रोशेट मारना है और चेन थ्री लेके सिर्फ स्टिच मार देना है। मिडिल मिडिल में आपको सिक्स डबल क्रोशेट लेना पड़ेगा। फोर फाइव, ये फाइव हो गया तो अभी थ्री चेन, वन टू थ्री, इसके बाद यानी सिल्वर स्टिच मार देना है। देखिए बन गया है पास लाइन। अभी फिर सेकेंड ये पिंक कलर को जोड़ने के लिए उसके लिए ये जगह बना देगा। वन टू थ्री, चेन थ्री लेगा सबसे पहले, इसके बाद एक डबल क्रोशेट, फिर चेन वन टू, फिर पहले से यहाँ में सिंगल डबल क्रोशेट, वन टू चेन लेना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ डबल क्रोशेट, वन फिर टू, ये देखो ये सेकेंड बेच ए सेकेंड कलर को जोड़ने के लिए बना दिया मैंने। अभी यहाँ में सेकेंड कलर हम पिंक को जोड़ेगा, ये कलर पिंक कलर को जोड़ देगा सेकेंड में। फिर इसको जोड़ने के लिए इसको यहाँ से लेगा, अब यहाँ में वन टू थ्री, चेन थ्री लेना पड़ेगा। फिर यह हमें सेम फेले जैसे फाइव डबल क्रोशेट, आप एक कलर का भी बना सकते हो या फिर अपना। फोर फिर इस तरह मार देगा, सेम ऊपर में जैसा ऊपर वाला लाइन को जैसा बनाया था उसी तरीका से बनाएगा ये। फिर से यह मैं डबल क्रोशेट, टू थ्री फोर
5 1 2 3, इसके बाद लास्ट में 3 चेन लेने के बाद अब स्लिप स्टिच मार देना है और फिर लास्ट अभी कलर जोड़ने के लिए फिर सेम करना पड़ेगा व्हाइट कलर को जोड़ने के लिए, फिर बना देना पड़ेगा जगह। तो उसके लिए फिर से चेन 1 2 3 लेगा, फिर तो क्रॉस स्टिच 1, फिर चेन 2 1 2, इसके बाद डबल क्रॉस स्टिच 1 1, फिर 1 2, फिर डबल क्रॉस स्टिच 1 एंड 2, फिर 2 डबल क्रॉस स्टिच लेना है। अभी हो गई है, अभी आप हमें व्हाइट कलर को जोड़ देना है, यही व्हाइट कलर। और ये लास्ट राउंड है, 1 सॉरी चेन 1 2 3, फिर सेम इसको बनाना है। यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट, फिर मिडिल मिडिल में 6 डबल क्रोशेट बनाना है, तो ये ख़त्म हो गया है। तो अभी ये सिलाई करने के लिए फिर बनाना पड़ेगा लास्ट, सबसे लास्ट में ख़त्म करके, ताकि दो जोड़ी दोनों साइड का को जोड़ने के लिए। ये हो गया है, इसे काट देगा। अभी फिनिशिंग टाइम आ गया है, ये देखो, ये एक साइड का, ये एक साइड का, दोनों सॉरी ये एक साइड का, ये एक साइड का, दोनों साइड का बन चुका है। अभी इसको फिनिशिंग देना है। अभी देखिए इसको सिलाई कर देगा दोनों को। आप खुद देख के इसको सिलाई कीजिए, फिनिशिंग अपने हिसाब से अच्छे से ध्यान देख के। ये देखो सिल के हो गया है, हो चुका है सिल के। अभी लास्ट एक काम बचा है, अभी और एक लास्ट काम बचा है इसका, यहाँ में ये बॉर्डर लगाने के लिए। यहाँ में ऐसा रहेगा तो सुंदर नहीं दिखेगा, तो ये जब लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तब इसके लिए हम लेंगे ये ब्लू सूटर, यहाँ से चेन 10 ले लेगा। आप सबसे पहले ले लीजिए 1 2 9 10, इसके बाद अभी इसमें सिर्फ हाफ डबल क्रोशेट कर देना है आपको। सॉरी सॉरी, ये है हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट 2 बार करना है। एक बार यहाँ से कंप्लीट कर देना है, फिर एक बार रिवर्स वापस लेके आना है। ये एक बार एक राउंड हो गया है हाफ डबल क्रोशेट। अभी और एक बार इसको टर्न करके अभी 1 चेन लेके अभी इस तरफ से फिर कर देना है। अगर एक बार सिर्फ करेगा तो बहुत छोटा लगेगा, इसलिए बहुत ही छोटा होगा। 2 राउंड आप दोनों को सिर्फ मार देना है, तो उसके लिए रेडी हो जाएगा। थोड़ा मेहनत तो है पर भी बहुत सुंदर बनता है। देखिए ये हो गया है, अभी इसे सिलाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सूता जोड़ देगा हम, यहाँ से अभी सिला देगा हम इसका ऊपर।
फिर सिलाई कर देगा से इस तरह से मोड़ के बाद मिला लेगा, फिर सिलाई मार लेगा। हर सुंदर चीज फाइनली कंप्लीट हो गया है, अभी आप इसे मिला सकते हो। मैं सबसे आराम से मिला दीजिए, बनाते समय टाइट ही लगता है, पर जब पूरा बन जाता है उसे मिला लेता है ना, तब बहुत ही सुंदर से शेप में आ जाता है। अगर लूज बना लोगे तो तब शेप साइज खराब हो जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा इसे टाइट ही बनाएगा और इसके बाद मिला लेना। देख सकते हो कितना अच्छा बन गया है। जैसे आप हेयर रबर या क्लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। देखिए कितना फ्रेश फ्रेश बन गया, कितना फ्रेश से कितना अच्छा, ये देखिए। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर तोरा भी वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग और नया नया वीडियो लाते रहेगा। थैंक यू।